आज हमने जो है डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो है रेबरिक हिल एसोसिएशन फोरम का यहाँ पर एक अजलास मनाकर किया और उसमें हमने 12 जो है स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील की है कि हमारा जो मसला है ये इसको हल किया जाए। जो आपने कमेटीज़ बनाई थी, जिसमें आपने एसआरओ 202 की कमेटी बनाई थी, उस पर आपने फैसला दे दिया और हमारी जो कमेटी बनी थी उसको साल होने लगा, अभी तक जो है उसका आपने कोई भी आउटपुट नहीं हो रही है। हमारी ये गुजारिश है यूटी सरकार से और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि हमारा मसला जो है इसको टिकअप किया जाए और उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। और जो हमारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनसे गुजारिश है कि वो जो कमेटी के हेड आप हैं तो आपको उन कमेटी से वो जो आपने मंगवाना था, उनके रिमार्क्स मंगवाने थे, वो मंगवा के उस पर आप फैसला दें। हम बारहा जो है जम्मू में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर में जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम सफ़र हो चुके हैं, काफ़ी परेशान हैं हम, क्योंकि 3000 में हमारी फैमिली का जो है गुजारा नहीं चल सकता है। और काफ़ी जो है रेबरिक हिल टीचर जो है पूरी स्टेट के जो है जो शादीशुदा है और पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है किसी ऐसे बैकडोर से आए हुए हैं, ये लोग वो लोग हैं जो एक बोर्ड के तहत आए हुए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्ड बना है जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर रहे हैं और उसके बाद जो है DYSSO रहे हैं उस मेम्बर और जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और ZPO हेडक्वार्टर, ये तमाम लोग मेम्बर रहे हैं। उसके बाद जो है एक हर जोन की लिस्ट बनी है और लिस्ट बनने के बाद जो है एक वाइवा हुआ है, वाइवा के बाद जो है फाइनल लिस्ट निकाली गई है। तो हमारी इनसे गुजारिश है जो आपने इसमें रखा था कि इस जो है पॉलिसी में आने वाले वक्त में जो इसको अमेंडमेंट की जाएगी, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि ये